नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर कैन शोन बाय इसका। अब इससे स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने केवल अपने को है ना, सारे आइसोमर मोलिकुलर फॉर्मूला ये दे रखा है C4H14। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला से DU कितना आएगा, आप DU निकालो, अभी बताया ना 0 आएगा। और मैं ऐसे भी अनुमान लगा लेता हूं 6 × 12, 6 × 12 = 12, और 2 और जोड़ते तो 16 होता है, तो वो एल्केन बनता है। तो एल्केन है, इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, यानी कि आपके कार्बन नंबर बढ़ाओ ना तो वो डबल हो रहे हो तो समझ जाओ वो एल्केन ही है, मतलब सिंगल बॉन्ड ही है लगभग, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो है नहीं इसमें, कुछ और अदर एटम तो है नहीं, तो अपने को बस 6 कार्बन है। मुझे बोला इसके आइसोमर बनाना स्ट्रक्चर, तो 6 कार्बन पाई बॉन्ड बनाने नहीं, रिंग वाले बनाने नहीं, सिंगल ही बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या कर, एक कार्बन मैंने बाहर ले लिया, पकड़ लिया अपने, है ना हाथ में। अब है 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, ये 4, पहले बड़ी चेन बनाओ फिर चेन को छोटी कर दो, 5 की कर दो, एक कार्बन मेरे पास है। अब मैं उस कार्बन को बोलता है तू लग जाओ, यहां पे तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि यहां पे लगाऊंगा तो वो चेन वापस 6 की हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे लगेगा नहीं, और यहां पे लगाना एक ही बात है और यहां लगाना अलग बात है, तो 2 बनेंगे। तो एक बार मैं लगा के भी दिखा देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, और 1 बीच में, क्योंकि यहां पे एक ही बात है, यहां पे लगाऊं वो एक ही बात है देखो, और ये अलग बात थी। तो इतने हो गए, अब चेन और छोटी करता हूं, चेन और छोटी करूं, देखो 4 की कर दी, 1, 2, 3, 4, 2 कार्बन मेरे पास अभी। अब इन दोनों कार्बन को मैं इकट्ठा करके एक साथ बना के लगा लूं, यहां तो लगाऊंगा नहीं तो पेरेंट चेन बदल जाएगी, यहां से यहां लगाऊंगा तो भी 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे, तो वहां भी नहीं लगा। अब अलग अलग करता हूं, डबल नहीं चलेगा, एक एक अलग अलग। चलो सर इन दोनों को एक बार इस पे लगा लो, इस कार्बन दोनों को एक साथ, ये हो गए, और दोनों पे इस पे लगाना तो वही बात हो जाएगी। फिर एक को यहां और एक को यहां, अगली बार क्या करूं अलग अलग करके, तू यहां लग, यानी कि दोनों को एक साथ नहीं, एक एक, ये हो गया। अब मैं चेन और छोटी करूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि किनारे पे लगेगा नहीं और अंदर में 2 हो गया, और छोटी करूं सर 3 की कर दो, 3 कार्बन बचे आपको। अब वो 3 कार्बन कहां लगाओ, कहीं लगाओ तो चेन बढ़ी जाएगी, तो इसका मतलब वो पहले हो चुका है, बन चुका है। जब आपकी चेन बड़ी होने लग जाए, मतलब छोटी करने के बाद में आपको लगे कि में कार्बन लगाने से चेन मेन चेन 4 से 5 की हो रही, तो इसका मतलब वो पहले बन चुका है, ठीक है। आइसोमर तो कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, इसका आंसर ये 5 आएंगे, ठीक है पूरी। फिर एक उठा के यहां लगा दिया, इसको यहां खिसका दिया, फिर चेन और छोटी कर दी, 4 की कर दी, 2 कार्बन थे यहां एक साथ लगा दिए, फिर एक एक करके लगा दिया, ठीक है। आगे चल रहे,